बैक्टीरिया का ग्रोथ देखते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक, सपोज़ हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और अगर ये बैक्टीरिया अपने दो बच्चों को पैदा करती है ना, तो ये हमारे इसके दो बच्चे हो गए, ठीक है। देन अब रूल क्या है कि अगली बार जो बैक्टीरिया है अपने दो बच्चों को फिर पैदा, हर एक बैक्टीरिया अपने दो बच्चों को पैदा करता है, तो अगले स्टेज पे जो बैक्टीरिया की संख्या होगी, हम लोग देखेंगे कि एक बैक्टीरिया आपकी, इस बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया को पैदा किया, इसको पैदा किया, इसको पैदा किया, और इसने इन दोनों को पैदा किया। तो इस स्टेज पे, अगर इस स्टेज पे देखा जाए तो बैक्टीरिया हमारी एक थी, ठीक है। इस स्टेज पे अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया हमारी है वो दो हैं, ठीक है, एक और दो बैक्टीरिया। इस स्टेज पे अगर बैक्टीरिया देखा जाए तो हमारे पास बैक्टीरिया कितनी हैं, चार बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद अगर ये फर्दर प्रोड्यूस करती हैं बैक्टीरिया, ठीक है, अगर ये फर्दर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो सपोज़ हमने मान लिया कि इसने भी दो पैदा किया, ठीक है। नेक्स्ट इस स्टेज पे जो बैक्टीरिया की संख्या हो गई आपकी, ठीक है, तो इस स्टेज पे जो बैक्टीरिया की संख्या है ये क्या हो गई, आठ हो गई, ठीक है। दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फर्दर इस तरह से प्रोड्यूस करते रहेंगे बैक्टीरिया अपने अगले बच्चों को। तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई थी आपकी, स्टार्ट हुई थी आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ एक बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था, और एक बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने ये रूल माना था कि हर एक बैक्टीरिया जो है दो बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो हुआ क्या कि फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ एक बैक्टीरिया थी, लेकिन सेकेंड स्टेज में हमारे पास दो बैक्टीरिया थी, जबकि थर्ड स्टेज में हमारे पास कितनी बैक्टीरिया हो गई, चार बैक्टीरिया, और फोर्थ स्टेज में क्या हो गई, दीज आर द एट बैक्टीरियाज। अब ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर को अगर गौर से देखिए तो अगला नंबर कौन सा आएगा, बड़े इजीली गेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अगला नंबर है, हर अगला नंबर पहले वाले नंबर से दो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। अगर हम इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, अगर इसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपका, थर्ड टर्म मिल जाएगा जो फोर है। नेक्स्ट इसमें अगर टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब कि हर नेक्स्ट टर्म जो आपका है वो दो से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, या यूं कहें कि जो सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म का रेशियो, मतलब अगर आप इसे कहते हो कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, दैट विल बी द सेकेंड टर्म, दैट विल बी द थर्ड टर्म, दैट विल बी द फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ स्टेज की बैक्टीरिया बता रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई एक लड़का है जिसका अपने घर से जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके दोस्तों ने इसके साथ शर्त रखी कि इसका कोई ये फ्रेंड है, ठीक है, इसने कहा कि चलो तुमको अपने घर जाना है लेकिन हमारे रूल के हिसाब से जाओ, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है कि जितना डिस्टेंस आपका बचा हुआ है, ठीक है, जितना डिस्टेंस आपका है उसका हमेशा आधा चलोगे, ठीक है, आपके घर से और आपकी जो डिस्टेंस है जितना बची हुई है उसका आधा चलोगे। तो उसने कहा ठीक है, हम फॉलो करते हैं। तो कहा कि देखो तुम घर पहुंच जाओ, पहुंच के दिखाओ। तो उसने कहा बड़े आराम पहुंच जाएंगे, पहले बार में हम 4 किलोमीटर जाएंगे, नेक्स्ट 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, देने 1 किलोमीटर। तो उसने सोचा बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होने वाली है उसको पहुंचना। क्या वो पहुंच सकता है अपने घर या नहीं पहुंच पाएगा, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस इस रूल को फॉलो करते हुए कि वो पहले क्या करेगा, पहले जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगली बार में उसका आधा करेगा, देन मतलब हर प्रीवियस स्टेज का वो आधा करेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग कहते हैं चलो इसने क्या किया, पहले 8 किलोमीटर से ये आ गया सीधे, कहा कि अभी तो 8 किलोमीटर है मेरे पास, इसका मतलब कि इसके पास जो डिस्टेंस D1 है वो 8 किलोमीटर है। तो शर्त क्या थी या कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जो भी डिस्टेंस है अब उसका आधा चलेगा वो। तो इसने कहा ठीक है, अगली बार हम लोग क्या चलेंगे, मतलब जो फर्स्ट स्टेज का इसका ट्रेवल होगा
ये फर्स्ट स्टेज का ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस डी आपका 8 किलोमीटर है, तो इसका जो पहला टर्म है फर्स्ट डिस्टेंस जो ये ट्रांसवर्स करेगा वो करेगा 4 किलोमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो शर्त रखी गई है इसके फ्रेंड के द्वारा। देन इसने कहा कि नेक्स्ट कितना चलना है, तो ये कहा गया था कि जो डिस्टेंस आपने चला है या जो बचा है, ठीक है, या आप ये कह लीजिए जो चला आपने उसका आधा चलना है आपको, तो इन्होंने कितना चला पहले 4 किलोमीटर चला, तो अगली बार कितना चलेंगे इसका आधा, इसका आधा मतलब 2 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट अभी ये कितना चल चुका है 6 किलोमीटर, अभी इसके पास 2 किलोमीटर बचा हुआ है घर पहुंचने के लिए। फिर देखते हैं हम लोग जो थर्ड स्टेज में इसका, थर्ड स्टेज में इसका डिस्टेंस होगा ये 2 किलोमीटर है, तो अब 1 किलोमीटर, अभी इसका घर कितना दूर बचा हुआ है, तो हम ये कहेंगे 4 + 2 = 6 + 1 = 7 किलोमीटर ये चल चुका, लेकिन अभी 1 किलोमीटर घर बचा हुआ है, ठीक है, और अगली बार इसको कितना चलना है आधा किलोमीटर। तो नेक्स्ट स्टेज में अगर देखा जाए A4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन 1/4 किलोमीटर, ठीक है, और अगर इस तरह से हम लोग बढ़ते रहे तो हम लोग पाएंगे कि अपने घर ये कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें कि कितनी बार में चलेगा, तो वो कभी नहीं पहुंचने वाला है, ये रूल ही ऐसा है, ठीक है, कि अपने घर वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। पहले तो ऐसा लगा था कि 8 किलोमीटर है और सीधे 4 किलोमीटर चल लेंगे, अब 4 किलोमीटर चल लेंगे तो बचा था, फिर 2 किलोमीटर चल लेंगे 6 हो गया, तो पहले ऐसा लगा था कि बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रूल इतना खतरनाक लग रहा है कि अब वो नहीं पहुंच सकता है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकता है, या उस डिस्टेंस को कंप्लीटली वो ओवरकम नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले स्टेज में आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है, 4 किलोमीटर की फर्स्ट जर्नी थी, सेकेंड जर्नी आपकी 2 किलोमीटर की थी, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 7.5 हो गया, फिर 0.25 जो बचा रहेगा, और अंत में वो इनफाइनाइट स्टेप्स लेगा तब भी वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स ये कहती है। अच्छा अगर हम मैथमेटिकल वर्जन देखें, सिक्वेंस को देखें, नंबर्स को देखें, अगर हम नंबर को ऑब्जर्व करें तो यहां 4 नंबर है, अगली बार क्या हुआ इसका हाफ किया गया, ठीक है, इसका मतलब एक कांस्टेंट नंबर हमें मिल गया हाफ, जिससे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, प्रीवियस वाले को, अगर 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस हाफ से, तो 4 × 1/2 क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका 2 प्रोड्यूस हो रहा है नेक्स्ट टर्म, और अगर इस 2 में फिर से हाफ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने क्या देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने देखा था कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर कांस्टेंट नंबर 2 था, जिसे मल्टीप्लाई करने पे हर अगला नंबर आ रहा है, या यूं कहें उसे दूसरी भाषा में कि हर अगले टर्म को हमें पाने के लिए पहले वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, या यूं कहें कि नेक्स्ट टर्म का जस्ट प्रीवियस टर्म से जो रेशियो है वो क्या है आपका 2, विच इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि ये नंबर कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई करने से, जो नंबर 1 से आपका कम है, अगर 1 से कम है तो अगला जो प्रोड्यूस होने वाला है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो हम कहेंगे सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इनके इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कुछ रॉड्स की जरूरत है, सपोज कॉपर रॉड है, तो कॉपर रॉड है तो हमें उसकी लेंथ की जरूरत होगी, कितनी लेंथ हमें चाहिए, हमने कहा कि ये जो ट्रायंगल की एक साइड है सपोज वो 12 मीटर है, ठीक है, एक रॉड की, इसका मतलब इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए आपको टोटल जो लेंथ रिक्वायर्ड है 12 × 3 मतलब 36 मीटर रिक्वायर्ड है इस ट्रायंगल को बनाने के लिए, 36 मीटर कॉपर रॉड रिक्वायर्ड होगी। फिर यह कहा गया कि आपको ऐसे 10 ट्रायंगल बनाने हैं या 5 ट्रायंगल बनाने हैं सेम टाइप के, लेकिन है क्या कि जो ये ट्रायंगल बनेगा इनके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करके नेक्स्ट ट्रायंगल बनाएंगे, तो दिस ट्रायंगल ये इनका मिड पॉइंट्स है, अगर इनका हम मिड पॉइंट मानते हैं तो अब इनको हम ज्वाइन करके बनाएंगे, तो ये ट्रायंगल भी बनाना है हमें, ठीक। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, नेक्स्ट ट्रायंगल आप कैसे बनाओगे, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ठीक है। तो अब ऐसे आपको बनाते जाना है, तो हमने क्या लिया, एक वाइट ट्रायंगल लिया, येलो देन ब्लू देन रेड, चलिए पहले हम लोग इतनी बात करते हैं, पता नहीं आपको कलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतने ट्रायंगल और सबके पेरिमीटर चाहिए हमें,
और हमें ये पता है, हमें ये दिखाना है कि कितनी रॉड कंज्यूम हो रही है, इसमें कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, क्योंकि मार्केट में जाएंगे तो हमें खरीदना पड़ेगा, तो लेंथ जब तक एस्टिमेट करके नहीं जाएंगे कैसे खरीदेंगे। तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हमने कहा कि चलिए व्हाइट वाला जो पहला वाला ट्रायंगल है, से T1 ट्रायंगल, तो T1 ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए 36 मीटर रॉड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 12 मीटर ये हो गया, साइड 12 मीटर है, ठीक है, साइड हमने क्या दे रखा है आपको 12 मीटर, तो 12 मीटर की ये साइड हो गई, 12 की ये, 12 की ये, 36 मीटर। फिर कहा येलो वालों को बनाने के लिए कितना मीटर चाहिए, तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम जब भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो जो लेंथ होती है उस बेस के हाफ होती है, मतलब ये 12 मीटर है तो ये इस वाले येलो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, दिस लेंथ वुड बी 6 मीटर। इसका मतलब कि ये अंदर वाला 6 मीटर हो गया, फिर 6 और ये 6, मतलब 6 × 3 = 18। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट रॉड रिक्वायर्ड होगी 18 मीटर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, दैट इज अ सेकेंड ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल नंबर थर्ड, फिर इसकी रिक्वायरमेंट, तो जो ये लेंथ होगी आपकी, ये लेंथ किसके मिड पॉइंट के बना से, येलो वाले ट्रायंगल के हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका जो लेंथ होगा इस पूरी साइड का आधा होगा, दैट इज, ठीक है, ये 6 है, तो 6 का आधा आपका कितना हो गया, 6 का आधा हो गया आपका 3, इसका मतलब इसकी लेंथ आपकी क्या होगी 3, और 3 × 3 = 3 मतलब 9 मीटर, दैट इज द योर थर्ड ट्रायंगल। अब फोर्थ ट्रायंगल के लिए क्या होगा, अब ये आपका 3 मीटर है, ठीक है, तो जो इसकी लेंथ होगी इसकी आधी होगी 3.5, ठीक है, 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर ये साइड, और ऐसे तीन साइड है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, दैट इज योर फोर्थ ट्रायंगल। इसी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे ट्रायंगल आप ग्रो करते जाओगे, अंदर जा चलते चले जाओगे, वैसे वैसे ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट की जो लेंथ है वो आपकी बदलती चली जाएगी। लेकिन अब इन नंबर्स को हम, इन नंबर के पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि जो नेक्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म का हाफ है, ठीक है, 9 दैट इज हाफ ऑफ द 18 एंड 4.5 इज हाफ ऑफ द 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हर अगला टर्म जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें वी गेट नेक्स्ट टर्म, अगर इसमें हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट नेक्स्ट टर्म, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट नेक्स्ट टर्म। यस, जो तीन पैटर्न देखे थे जिसमें पहले पैटर्न में आपका नंबर 1 था, देन 1 के बाद आपका 2 था, 4 था एंड 8 था और 16 था, जो बैक्टीरिया ग्रोथ के टर्म में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोग इस सीक्वेंस को या इस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का जो पहला टर्म है दैट इज़ 1, ठीक है, और जो आपका दूसरा टर्म है पैटर्न का वो A2 है, 2 हो गया, 4 जो है ये पैटर्न का थर्ड टर्म है या सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, 8 हो गया आपका सीक्वेंस का फोर्थ टर्म हो गया, और जो आपका 16 है ये फिफ्थ टर्म हो गया सीक्वेंस का। इस सीक्वेंस के पास रूल क्या है, इस सीक्वेंस के पास रूल है कि हम लोग जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, A2 को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, A2 को ऑब्टेन कर रहे हैं A1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, A3 को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं A2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, या अनदर लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि A2 और A1 का जो रेशियो होगा दैट विल बी 2/1 विच इज़ 2, ठीक है। इसी तरह से जो A3 थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड टर्म से होगा दैट विल बी 4/2 दैट इज़ आल्सो 2। सिमिलरली अगर हम रेशियो, नेक्स्ट रेशियो फोर्थ टर्म का रेशियो थर्ड, जस्ट प्रीवियस थर्ड टर्म से देखते हैं तो ये भी आपका 8/4 दैट इज़ आल्सो 2। इसका मतलब अगर हम इस सीक्वेंस के किसी भी दो टर्म को उठा लेते हैं, सपोज़ हमारा यहाँ पे कोई भी एक टर्म होगा जो सपोज़ K8 टर्म होगा, और इधर कोई इसका जस्ट आगे वाला टर्म क्या होगा आपका AK+1, ठीक है, सीक्वेंस के दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो आने वाला है
एके प्लस वन और एके का जो रेशियो आने वाला है वो भी आपका क्या आएगा, यही टू आने वाला है। दैट मीन्स टू इज द कॉमन रेशियो फॉर कॉन्सिक्यूटिव टर्म, चाहे वो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से हो, चाहे थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म से हो, या फिर फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से हो। जो ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो है वो टू है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने वो घर को चेस करने की बात थी या डिस्टेंस कवर करने की बात थी, उसमें क्या था कि जो पहला टर्म था वो फोर था, जो डिस्टेंस चली गई थी 4 मीटर, देन नेक्स्ट टर्म आपका था 2 और देन नेक्स्ट 1 था, देन 1/2 एंड देन 1/4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये डिस्टेंसेस अप्रोच करी जा रही थी नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर हम ये कहते हैं कि सपोज़ ये एक सीक्वेंस बनी, एक पैटर्न बना है जिसका हमने कह दिया कि इस सीक्वेंस का ये फर्स्ट टर्म है, टू इज़ द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड वन इज़ द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड हाफ इज़ द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सिमिलरली 1/4 इज़ फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस तरह से आपका सीक्वेंस प्रोसीड कर रहा है। कहीं आपका मान लीजिए कुछ 10th टर्म आएगा, ठीक है, आपका 11th टर्म होगा कोई, ठीक है, आप ये कह सकते हो इसी तरह से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो आपका कोई kth टर्म आएगा ak, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या हो जाएगा आपका ak प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो देखें, किसका रेशियो, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो, नेक्स्ट a2/a1, ठीक है, a2/a1 जब आप देखते हो तो यहाँ पे a2 आपका 2 है, ठीक है, और a1 आपका क्या है 4 है, तो ये चीज़ क्या आएगी, 2 से आप कैंसिल आउट कर लो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 1/2। इसी तरह से थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड टर्म से देखते हैं, थर्ड टर्म का रेशियो जब आप सेकेंड टर्म से देखोगे तो थर्ड टर्म तो आपका 1 है और सेकेंड टर्म आपका क्या है 2 है, तो यहाँ भी रेशियो आपका 1/2 हो गया। इसी तरह से फोर्थ टर्म का रेशियो जब आप थर्ड टर्म से देखते हो, फोर्थ टर्म का रेशियो जब आप थर्ड टर्म से देखते हो तो ये आपका फोर्थ टर्म 1/2 है जबकि सेकेंड टर्म 1 है, ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/2। इसी तरह से फिफ्थ टर्म का रेशियो किसे देखें हम लोग, जस्ट प्रीवियस वाले से, फोर्थ टर्म से, ठीक है, तो कितना जाएगा आपका 1/4 अपॉन 1/2। अब ये चीज़ क्या होती है, 1/4 × 2/1, ठीक, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/2। दैट मीन्स जो हम कॉमन रेशियो देख रहे हैं, चाहे वो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से हो, चाहे थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म से हो, या फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से हो, या फिफ्थ टर्म का फोर्थ टर्म से हो, ये सब के सब 1/2 आ रहे हैं। इस सीक्वेंस का पैटर्न फिक्स है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछ ले कि 11th टर्म का रेशियो आप 10th टर्म से बताइए, तो हम कहें दीज आर ऑल्सो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, तो ये कितना आने वाला है, ये भी आने वाला है वही जो पहले प्रीवियस आ रहे हैं 1/2 आने वाला है। मतलब इस सीक्वेंस के कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लिए जाएं, भले वो ak और ak प्लस 1 हो, मतलब ak प्लस 1 का रेशियो अगर इसके जस्ट प्रीवियस वाले से देखा जाए, ak से देखा जाए, तो वो भी 1/2 आने वाला है, क्योंकि रेशियो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों जो पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहा है, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं दैट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्रेशन विच इज़ कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, डेफिनेशन क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, जो डेफिनेशन आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की है वो कही जाती है डेफिनेशन, ये आपकी डेफिनेशन है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो क्या हो गया, जब अ सीक्वेंस, कोई भी नंबर्स के पैटर्न दिए गए हैं, एक सीक्वेंस है आपके पास a1 जिसके ये सारे टर्म्स हैं a1 a2 a3 an, तो दीज आर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस के टर्म है। अब इस सीक्वेंस में हम लोग कहेंगे कि जो आपका डेफिनेशन क्या, आपकी ए सीक्वेंस a1 a2 a3 .an इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इफ
कब हम इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहेंगे? इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो, पहले तो सारे टर्म नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब इनमें से कोई जीरो नहीं हो सकता है, और सो दैट कि ए के प्लस वन अपॉन ए के क्या होना चाहिए, आर, और वो आर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो आर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन क्या बोली जाएगी, जीपी बोली जाएगी। तो हमारे पहले वाले जो पहला वाला सीक्वेंस था जिसमें आपका ये रेशियो 2 आ रहा था जो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए कांस्टेंट था, इसका मतलब पहली प्रोग्रेशन हमारी क्या थी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन थी। यही सेकेंड वाले पैटर्न में भी हमारा रेशियो कांस्टेंट आ रहा था जो हाफ था, तो वो भी प्रोग्रेशन हमारी क्या कही जाएगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कही जाएगी। लेकिन अब चूंकि रेशियो एक से कम था तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमारी क्या थी, डिक्रीजिंग थी। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई ऐसे नंबर्स आते हैं जिसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट वेरीफाई होता है तो हम कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या जीपी बोली जाएगी। ठीक है।